एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एंट्रोपी डिफाइंड एज मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू चेंज इन हीट इन रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच द हीट इज एडेड इन टू द सिस्टम, या हीट जो है वो इजेक्ट की जाए सिस्टम से। यहाँ तो ये डेल्टा क्यू हीट जो है पॉजिटिव हो सकती है, या ये डेल्टा क्यू हीट नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव उस सेंस में है कि जब आप हीट किसी सिस्टम को देंगे, जैसे कि अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम सीखा था, तो हमने कहा था कि अगर किसी सिस्टम में हीट ऐड की जाए तो इस सिस्टम में जो एडिशन ऑफ हीट है वो पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है। किसी चीज़ में अगर हीट एडअप की जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है, और अगर उस सिस्टम में से हीट इजेक्ट की जाए तो वो नेगेटिव आ जाती है। और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये काम हो रहा है उस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हीट ऐड हो रही है या हीट जो है उस सिस्टम के अंदर से इजेक्ट हो रही है। जैसे कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस हैं उनमें आप कार्नट साइकिल को देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम पीवी डायग्राम बनाएं इस तरीके से, तो आपको याद होगा कि पीवी डायग्राम में इस तरह से हमारे पास कार्नट साइकिल आया था कि पहले यहाँ से आइसोथर्मली हम लोगों का प्रोसेस हुआ था। आइसोथर्मल के बाद यहाँ पर हमारे पास एडियाबैटिक, इस एडियाबैटिक से दोबारा आइसोथर्मल और फिर एडियाबैटिक, यानी कि दो आइसोथर्म्स और दो एडियाबैटिक हमारे पास आए थे, यानी कि दो एडियाबैटिक प्रोसेस हुए थे और दो आइसोथर्मल प्रोसेस हुए थे। तो इस तरीके से जिस पॉइंट से हमने अपना काम शुरू किया था हम अगेन उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो कार्नट साइकिल है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके अलावा जो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं उसके अंदर आप रिवर्सिबल रिएक्शंस में आप ले सकते हैं लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन ले सकते हैं उसके एग्जांपल में। आप इसके एग्जांपल में जो है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ले सकते हैं। इसके अलावा स्लो एक्सपेंशन और स्लो कंप्रेशन ऑफ गैस ले सकते हैं, स्लो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस गैसेस। रिवर्सिबल प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर जो है जहाँ से काम किया शुरू किया जाता है उसी जगह पर वापस आकर एंड होता है, या कोई ऐसा सिस्टम जिसे दोबारा अगेन उसकी पहली वाली सिचुएशन, पहली वाली कंडीशन में लाया जा सके, उन तमाम के तमाम प्रोसेसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेसेस में इंट्रोपी जो है वो होती है, इनकी इंट्रोपी का जो रोल है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर ही होती है, अंदर होता है, या इसे कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर होता है, जैसे कि लिक्विफिकेशन है और इवेपोरेशन है, स्लो एक्सपेंशन है और स्लो कंप्रेशन वगैरह है। जबकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उसके अंदर इंट्रोपी वगैरह नहीं हो सकती। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि अगेन अपनी पहली वाली पोजीशन पे नहीं लाए जा सकते, जैसे कि ब्रस्ट ऑफ टायर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकती है, इसके अलावा रैपिड एक्सपेंशन और रैपिड कंप्रेशन ऑफ गैस हो सकती है। इंट्रोपी, चूँकि हम लोगों ने कहा कि इंट्रोपी जो है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस है, डिसऑर्डरनेस का मतलब ये है कि आप ये देख सकते हैं कि ये एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी एक प्रॉपर प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं, मीन्स कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्डर्ड होते हैं। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और आपको मालूम है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी स्पेसिफाई प्लेस के ऊपर ही जो है स्पेसिफाई अपनी प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं और एक क्रिस्टल की शेप बना लेते हैं। और जो चीज़ मैक्सिमम, जिसमें मैक्सिमम ऑर्डर हो, यानी कि वो ऑर्डर उसमें बहुत ज़्यादा हो, हर चीज़ जो है वो अपनी प्लेस के ऊपर स्टेबल हो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर हैं और यहाँ पर इस सिचुएशन में भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी ही जगह पर हैं, तभी जाकर ये इस सिचुएशन का एक क्रिस्टल बन जाता है। सिमिलरली जहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डर होता है वहाँ पर एंट्रोपी जो है मिनिमम होती है। जैसे ही यह इसका क्यूब इसे हीट मिले और ये जो है मेल्ट करना शुरू हो जाए आफ्टर टाइम टी, तो मेल्ट होने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जो मॉलिक्यूल हैं उनका ऑर्डरनेस या उनकी जो डिसऑर्डरनेस है वो ज़्यादा हो जाती है और जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम हो जाती है, मींस कि ऑर्डर उनका कम हो गया है, डिसऑर्डरनेस उनमें ज़्यादा हो गई है। और जहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो जाए वहाँ पर एंट्रोपी जो है मैक्सिमम हो जाती है।
इसे आप एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एंट्रोपी आखिर है क्या। जैसे कि आपके रूम में अगर बहुत सी चीज़ें बिखरी पड़ी हो, आपकी बुक्स बैग्स हर चीज़ जो है वो बिखरी पड़ी हो, तो आप कहेंगे यहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है। मीन्स ये कि आपकी जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी मैक्सिमम है। और अगर आपका रूम फर्निश है, क्लीन है, हर चीज़ जो है वेल डिसऑर्डर है, वेल जो है ऑर्डर्ड है, हर चीज़ जो है वो अपनी प्लेस पर पड़ी है, कोई भी चीज़ बिखरी हुई नहीं है, तो आपका जो रूम है वो ऑर्डर में होता है। यहाँ पर अगर ऑर्डर में है तो इसका मतलब है आपकी जो एंट्रोपी है, चूँकि ऑर्डर में है, आपका डिसऑर्डरनेस तो बहुत ही कम है, हर चीज़ अपने ऑर्डर पर अपनी प्लेस पर पड़ी है, तो इस सिचुएशन में आपकी एंट्रोपी जो है डिक्रीज़ कर जाती है। मीन्स कि एंट्रोपी जो है उसका रिलेशनशिप डिसऑर्डरनेस के साथ है। जितना किसी जगह पर डिसऑर्डरनेस होगा उतना ही वहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने स्टार्ट में कहा था रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस में ही एंट्रोपी होती है। आपको मालूम है कि अगर आप अपने रूम में सब चीज़ें बिखेर दें, यानी कि सब चीज़ों को डिसऑर्डर कर दें, तो ये चीज़ जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। आप बाद में दोबारा उन चीज़ों को उन्हीं की जगहों पर रख सकते हैं, तो इस तरीके से आपका जो रूम है पहले की तरह ऑर्डर हो जाता है। तो इसका मतलब है जो रूम की एग्जांपल है वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस में आ सकती है, क्योंकि आप अपने रूम को जो है डिसऑर्डरनेस के बाद दोबारा अगेन पहले वाले ऑर्डर में लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो रूम की एग्जांपल है वो एंट्रोपी में कैलकुलेट की जा सकती है। हाँ, एंट्रोपी की एग्जांपल में आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि लेट्स से कि आपके पास दो जो हैं वो बीकर्स हैं। अब उनके अंदर क्या सिचुएशन है कि इसे बीकर ए कह लेते हैं, इसे बीकर बी कह लेते हैं। बीकर ए के अंदर हम लोगों ने दो टैबलेट्स लिए हैं, दो कलर की टैबलेट्स, एक रेड कलर में है और एक जो है वाइट कलर में है। ये हमारे पास वाइट कलर में है और ये हमारे पास रेड कलर में है। इस सिचुएशन में ये ऑर्डर्ड में है, मीन्स ये कि पहले नीचे वाइट की सारी टैबलेट है और उसके बाद हमारे पास जो है रेड है। इस सिचुएशन में एंट्रोपी तो होगी लेकिन बहुत लो होगी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर एक लिड रख के इसको अच्छी तरह से शेक करें तो आपके पास रेड और ये वाइट वाली टैबलेट आपस में मिक्स हो जाएंगी। मीन्स यहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो जाएगा, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी सिचुएशन में ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है जैसे ही एंट्रोपी ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि वहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो गया। इसके अलावा आप इसको वापस इसकी पहली वाली इनिशियल कंडीशन में ला सकते हैं। इसका मतलब है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके बाद जो एंट्रोपी है उसे हम लोग अपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ भी रिलेट करते हैं। वो किस तरह से रिलेट करते हैं, वो इस तरीके से रिलेट करते हैं। लेट्स से कि ये आपके पास एक बीकर है इस तरीके से, और इसके अंदर जो है वो हॉट वाटर है, इसके अंदर हॉट वाटर है, ये इस तरह से बीकर ये जो है क्लोज है, और यहाँ पर ही एक और बीकर है इस तरीके से, इसके अंदर जो है वो कूल्ड वाटर है, और ये भी ऊपर से इस तरीके से क्लोज है, लेकिन यहाँ साइड से एक ओपनिंग है इस तरीके से। अब इन ट्रॉपिक को हम लोग अपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ इस तरह से रिलेट करते हैं कि अगर हम इन दोनों जो बीकर हैं इनको आपस में जोड़ देंगे तो जो हमारी हॉट बॉडी है उससे जो है वो हीट जो है ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी हमारी कूल बॉडी की तरफ। यानी कि जैसे ही हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे, यानी कि लेट्स से कि मैं कह देती हूँ कि मैंने इन्हें आपस में इस तरह से जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जाके ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे, और तब तक ट्रांसफ़र होते रहेंगे और हीट को ट्रांसफ़र करते रहेंगे जब तक कि इनमें एक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेबल ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि जब हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात की थी कि जो हीट है वो हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जो है फ्लो करती है। यहाँ पर कुछ हीट जो है वर्कडन में इस्तेमाल हो जाती है और उसके बाद बचने वाली जो हीट है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर या हमारे सिंक में चली जाती है। सिमिलरली अगर यहाँ पर ये कंसिडर कर लिया जाए कि हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर जो है हमारा हॉट वाटर है और लो टेम्परेचर रिजर्वायर हमारा कूल्ड वाटर है, तो जाहिर सी बात है जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो सारी की सारी हीट तो वर्कडन में कंज्यूम नहीं हो जाती, बल्कि कुछ हीट जो है वो एनर्जी लॉसेस में भी चली जाती है। इसके बाद जैसे ही हम इन दोनों बीकर्स को आपस में मिलाते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस हो जाती है।
वो डिसऑर्डरनेस इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है हॉट बॉडी के वो अपनी जगह पर थे, अपने अपने एक एरिया में थे, एक रीजन में थे, और कूल बॉडी के जो हैं जो हमारा पास कोल्ड वाटर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने रीजन में थे। जैसे ही हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो अब इन दोनों के अंदर एक जो है वो कैरेसिटी पाई जाती है कि अभी इन्हें एक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेबल करना है, इसलिए यहाँ से जो है एनर्जी मूव करना शुरू कर देती है कोल्ड वाटर की तरफ, और मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मूव करना शुरू कर देते हैं, तो दोनों बीकर में आफ्टर टाइम टी जो है वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जो है पूरे का पूरे वाटर का जो है टेम्परेचर या उसकी जो हीट है वो सिमिलर हो जाती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो इंट्रोपी है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के साथ रिलेट करती है। लेट्स से कि आपके पास कुछ मार्बल डेफिस हैं, इन्हें आपने एक बीकर में डाल के अच्छी तरह से शेक किया, मीन्स जब आप इन्हें शेक करते हैं एक बीकर में डाल के तो इसमें कुछ ब्लू कलर की बॉल्स हैं और कुछ जो हैं वो रेड कलर की हैं। जैसे आप इन्हें मिक्स करते हैं तो इसमें जो डिसऑर्डरनेस है इंक्रीज़ करता चला जाता है, और डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ हो रहा है मीन्स ये कि इसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ करती चली जा रही है। और अगर आप इसको इस हद तक शेक करते चले जाएँ कि एक टाइम ऐसा आए कि दो रीजन सेपरेट हो जाएँ, एक रीजन में जो है आपके पास ब्लू मार्बल और एक हिस्से में जो है आपके पास ब्राउन मार्बल आ जाएँ, तो इसका मतलब है कि ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस था जिसमें आपने अगेन पहले वाली ही सिचुएशन कायम कर ली। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पहले वाली सिचुएशन आ गई है, दोनों मार्बल बिल्कुल अलग अलग रीजन में आ गए हैं। तो जब इनको आपस में मिक्स किया गया था तो उस वक्त इनमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा हो गई थी, मीन्स ये कि इसमें एंट्रोपी ज़्यादा हो गई थी, और जैसे ही कुछ टाइम टी गुजरने के बाद ये वापस अपनी बेस्ट सिचुएशन पर आया है तो इसमें जो है अब एंट्रोपी मिनिमम हो गई है क्योंकि ये वेल डिसऑर्डर हो गया। सिमिलरली अगर इसके अलावा आप ये एग्जांपल लें जिसमें आप वाइट सैंड और ब्लैक सैंड को आपस में मिक्स करें, जैसे कि लेट्स से कि ये आपके पास वाइट सैंड है और ये आपके पास रेड सैंड है, आप कुछ टाइम टी में हिलाते कुछ टाइम ये पहले इक्विलिब्रियम स्टेट में था, अब आपने इसे हिलाना शुरू कर दिया, पहले वो ऑर्डर में था मीन्स ये कि उसकी एंट्रोपी कम है। अब जैसे ही आपने वाइट सैंड और रेड सैंड को आपस में मिक्स करना शुरू किया है तो इनमें जो है डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, और डिसऑर्डरनेस जो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है इसका मतलब है इसकी एंट्रोपी बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से आप इसी ये एंट्रोपी को इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि लेट्स से आपके पास बहुत ही ऑर्डर में ब्रिक्स पड़ी हुई थी, अगर आप इन ब्रिक्स को अपनी जगह से ऑर्डर में है मीन्स ये कि इस वक्त एंट्रोपी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, इसके बाद अगर आप इसे डिसऑर्डरनेस में कर देते हैं, इसका ऑर्डर जो है बिगाड़ देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरनेस क्रिएट कर देते हैं, तो इस वक्त जो है इसमें एंट्रोपी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एंट्रोपी जो है मैक्सिमम हो जाएगी। इसके अलावा हमारे यूनिवर्स में जितने भी रियल प्रोसेस होते हैं वो सब के सब जो हैं वो उन सब के सब रियल प्रोसेसेस में जो है एंट्रोपी इंक्रीज़ करती है। एंट्रोपी जो है स्टेट वेरिएबल भी है, एंट्रोपी की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट वेरिएबल है। इसके अलावा एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की यूनिवर्स एंट्रोपी always increases। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी इंक्रीज क्यों करती है। हमारे यूनिवर्स में बहुत से रेयर प्रोसेस होते हैं और सबके सब प्रोसेस जो यूनिवर्स में होते हैं तकरीबन सबके सभी जो है हीट ट्रांसफ़र करती हैं, तो जो चीज़ हीट ट्रांसफ़र करती है तो सारी की सारी हीट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वर्क डन में कंज्यूम नहीं हो जाती, बल्कि कुछ ना कुछ हीट जो है वो लूज़ भी होती है, जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो जो सब के सब प्रोसेस इस तरह से हीट को अगर ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे तो ओवरऑल यूनिवर्स में बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं अर्थ के ऊपर भी और अर्थ के बाहर भी जो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ पर डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो हमारे यूनिवर्स का एंट्रोपी है यूनिवर्स की वो इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा हमारी अर्थ के ऊपर जैसे इन्वायरमेंटल क्राइसिस होते हैं, थर्मल पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है, ये भी डिसऑर्डरनेस की वजह से ही होती है, तो ये भी जो है एंट्रोपी को इंक्रीज़ करती है। जहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होता है वहाँ पर हमेशा एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, और जहाँ पर डिसऑर्डरनेस बहुत कम हो वहाँ पर एंट्रोपी जो है वो कम होती है। इसके अलावा आप जब भी इस तरह से करें कि आपके पास यहाँ पर हॉट वाटर हो और यहाँ पर आपके पास जैसे कि कूल वाटर है, तो आप इन्हें जब भी आपस में मिक्स करेंगे, जब भी आप इनको मिक्स करेंगे तो इनकी एंट्रोपी जो है हमेशा इंक्रीज़ करेगी,
और क्योंकि वार्म जो वाटर है या वार्म जो भी कोल्ड वाटर है आपके पास, उसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे स्टेबल थे, अपने रीजन में थे। जैसे ही आप इसे कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल्स के साथ आप मिलाते हैं तो इनमें डिसऑर्डरनेस इंक्रीज़ कर जाता है, तो इनमें जो है इंट्रोपी इंक्रीज़ कर जाती है। तो जब भी इंट्रोपी इंक्रीज़ करे और जो फ्लो ऑफ हीट है, वो फ्लो ऑफ हीट है या आप कह लीजिए कि जो अपॉर्चुनिटी है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाए, हमेशा हीट को वर्क में कन्वर्ट करते वक्त कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस हो जाती हैं। और अगर आप इस पूरे के पूरे सिस्टम को इंट्रोपी के साथ रिलेट करें तो इंट्रोपी के दौरान हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हुए जो एनर्जी लॉसेस हो जाती हैं उसे हम लोग डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं कि ये डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी है, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी है। मीन्स ये कि जब भी आप एंट्रोपी को इस तरह से रिलेट करें कि एंट्रोपी के दौरान हीट ट्रांसफ़र हो रही हो, तो हीट ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो हीट या जो एनर्जी लॉसेज होंगे उसे आप डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे। तो होप्स आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा कि एंट्रोपी को हमेशा हम रिवर्सिबल के साथ ही क्यों रिलेट करते हैं, जैसे कार्नोट साइकिल या रूम की एग्जांपल, ब्रिक्स की एग्जांपल और आइस क्यूब की एग्जांपल। इससे आप एंट्रोपी को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। और इसके अलावा हमारी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती है, और जो इंट्रोपी है उसे हम हमेशा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि जो कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी है इनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो हीट जो है हमेशा कोल्ड से हॉट की तरफ ट्रांसफ़र करती है, जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करती थी। तो ये जो इंट्रोपी है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इंट्रोपी आखिर है क्या। इंट्रोपी को हम कहते हैं कि ये मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस है।